अखिलेश यादव जी जिन्होंने दलितों को डिमोशन करने का काम किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पार्क में 5 साल तक एक बल्ब नहीं जलने दिया और चीजों को बदलने का काम किया, अब कहां से दलित प्रेम हो गया। पहले यादव के साथ गए, अब यहां यादव की नहीं डुबोगे देख लेना आप। क्या ये वहां भीख मांगने गए, 5 सीट दे दो मुझे, 5 सीट में दो। अभी तक तो इनके चेहरा कहते थे मुख्यमंत्री बनेंगे, 5 सीट में मुख्यमंत्री बन जाएंगे। चंद्रशेखर को कहां चलाएंगे, चंद्रशेखर तो अपने आप को ना चला पा रहे, चंद्रशेखर खुद स्वार्थी है। बहुत दिन से हाथ जोड़ रहे थे, उनके चेले वेले जो सब पड़े थे वहां पे अखिलेश के वहां, अरे भाई हमें भी दे दो कुछ सीट। आपने देखा आज भी अखबार की सुर्खियां देखी होंगी कि भीम आर्मी ने किया समझौता और बहुजन समाज पार्टी होगी कमजोर। भैया बहुजन समाज पार्टी कमजोर कैसे होगी, तुम क्या बहुजन समाज पार्टी में है पहले, जो बहुजन समाज पार्टी से निकल के चले गए। यहाँ पे कुर्सियां कम पड़ जाएंगी, आपस में लड़ाई होगी, भगदड़ मचेगी। अभी तो क्या चुनाव लड़ते, उनको तो पहले से ही वो अखिलेश को ले जाना चाह रहे थे, कभी साइकिल चलाकर कभी उनके घर पर जाकर। वो तो हम मांग रहे हैं कि हमको कुछ दे दो भैया, हम भी बैठे हुए हैं। अब शायद गठबंधन होगा, जितने भी गठबंधन होगा 2 सीट मिलेंगे, 3 सीट मिलेंगे, एक भी नहीं जीत पाएंगे। अब देखना, समाज उनको नेता नहीं मानता है क्योंकि समाज क्या धोखा देने वाले लोग हैं, वो सबसे झूठ बोलते हैं। मोदी को वो फॉलो करते हैं, जैसे मोदी झूठ बोलते हैं वैसे ही झूठ बोलते हैं। अब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं मोदी के खिलाफ लड़ूंगा, क्या लड़े? अब उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं योगी के खिलाफ लड़ूंगा, योगी जी ने तो बोल दिया वो कहाँ से लड़ेंगे, योगी जी ने बोल दिया कहाँ से लड़ेंगे। अब सच्चाई ये है कि वो लड़के दिखाएं योगी के खिलाफ। दिक्कत क्या, अगर आपके समाज का कोई नेता आगे बढ़ रहा है किसी गठबंधन करके सत्ता के तक पहुंच रहा, तो दिक्कत क्या आप लोगों को? दिक्कत हमको नहीं है, दिक्कत हमको नहीं पहले थी ना, आज दिक्कत है। जिन लोगों को हम लोगों ने पैदा किया वो क्या दिक्कत होगी उन लोगों से, हम लोगों ने तो उनको बढ़ाने का काम किया है। दिक्कत ये है कि उन्होंने समाज को धोखा देने का काम किया है, नौजवानों को जेल में भिजवाने का काम किया है, झूठे वादे करने का काम किया है, उनको ठेका दे रखा है बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का, उनको ठेका दे रखा है माननीय काशीराम साहब की विरासत को ख़त्म करना, उनको ठेका दे रखा है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच है उसको कमज़ोर करना। वो लगातार कमज़ोर करने में लगे हुए हैं क्योंकि उनका हर कदम, जो भी उनका कदम होता है, आपने देखा आज भी अखबार की सुर्खियां देखी होंगी कि भीम आर्मी ने किया समझौता और बहुजन समाज पार्टी होगी कमजोर। भैया बहुजन समाज पार्टी कमजोर कैसे होगी, तुम क्या बहुजन समाज पार्टी में है पहले, जो बहुजन समाज पार्टी से निकल के चले गए, है तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुमने तो हमेशा से बहन कुमारी मायावती को कमजोर करने का काम किया, समाज को कमजोर करने का काम किया, समाज के नौजवानों को कमजोर करने का काम किया, तुमने समाज के अंदर दो फाड़ करने का काम किया है। तो ऐसे समाज कमजोर होने वाला नहीं है, एक भी नौजवान तुमको वोट देने वाला नहीं है। तुम एकजुट कर रहे हैं समाज को, कहाँ से एकजुट कर रहे हैं? जिनको जो यादव जी, अखिलेश यादव जी जिन्होंने दलितों को डिमोशन करने का काम किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पार्क में 5 साल तक एक बल्ब नहीं जलने दिया, जिन्होंने बहन कुमारी मायावती की मूर्ति को तोड़ने का काम किया, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर जितने बने थे उनको सबको बदलने का काम किया, जिलों को और चीज़ों को बदलने का काम किया, अब कहाँ से दलित प्रेम हो गया? ये अपनी कुर्सी के लिए जा रहे हैं, उनमें ही चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ये मौका प्रस्त लोग हैं, ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, जहाँ भी मौका मिलेगा वहाँ चले जाएंगे। पहले यादव के साथ गए, पप्पू यादव के साथ, उनकी उन्होंने सब कुछ नैया डुबो दी, अब यहाँ यादव की नैया डुबोगे देख लेना आप, ये जीत नहीं पाएंगे, समाज ने देख लिया इनको। आपने भेजा है इनको षड्यंत्र के? नहीं नहीं, हम लोगों ने कहीं नहीं भेजा, हम लोग तो आंदोलनकारी लोग थे, आंदोलन कराना चाहते थे, समाज के नौजवानों को तैयार करना चाहते थे। इन्होंने सबसे पहले तो भीम आर्मी की भ्रूण हत्या कर दी, पहले इन्होंने भीम आर्मी को खत्म किया, फिर अपने नाम से राजनीतिक पार्टी बनाई और फिर माननीय काशीराम साहब का नाम लगा लिया। अरे माननीय काशीराम साहब की विरासत है बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी में लोग विश्वास करते हैं। आज भी बहुजन समाज पार्टी का कैडर वोट है जो 22-23% वोट है और सारे लोग आ रहे हैं उसमें, बहुजन समाज पार्टी की होड़ करना चाहते हैं, होड़ नहीं करना चाहते इनको। पार्टी खत्म हो गई, अब चंद्रशेखर का समय है। अरे जो लोग ये कहते हैं खत्म हो गई है, उनको समझना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी के 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बहुजन समाज पार्टी के। 2022 में बहन कुमारी मायावती आप देखने मुख्यमंत्री बनने वाली है उत्तर प्रदेश की, आप देख लेना। आप कह रहे हो कि मैं किस आधार पर कह रहा हूँ, मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि 23% हमारा वोट है, ब्राह्मण आ रहा है, ओबीसी हमको समाज दे रहा है और मुस्लिम समाज हमको दे रहा है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती का शासन जैसा था वैसा किसी का शासन नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बहन कुमारी मायावती के शासन में था, लोगों को जो एजुकेशन मिलती थी जीरो बैलेंस पर मिलती थी, चंद्रशेखर भी शायद उसी में पढ़ा होगा जीरो बैलेंस पर ही, इतने सारे लोग पढ़े होंगे। नौजवानों ने मन बना लिया है कि कोई चंद्रशेखर के साथ नहीं है, मान्यवर साहब का मिशन चलाने जा रहे हैं ना समाजवादी पार्टी, जो मान्यवर काशीराम साहब के ओरिजिनल घर को तोड़ना चाहते हैं वो मान्यवर काशीराम साहब के मिशन को कहाँ चलाना चाहते हैं। अरे मान्यवर काशीराम साहब तो मारेंगे, और उनको शराब दे रखा है मान्यवर काशीराम साहब ने उस आदमी को। अच्छा, कि तू कभी हाँ कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। शराब पे विश्वास करते हैं? नहीं, हम विश्वास नहीं करते, मगर जो महापुरुष कहते हैं ना वो हो जाता है, महापुरुष जो कहते हैं, महापुरुष की जो मेहनत की चीज़ों को महापुरुषों ने बनाया है, ये समाज की एक प्रेरणा है, समाज का गौरव है बहुजन समाज पार्टी, समाज के नौजवानों का गौरव है। मतलब आप बीजेपी से मिल लो तो कोई दिक्कत नहीं, वो सपा से मिल गया तो? आप देखिए बीजेपी से जो हम मिले हैं
बीजेपी से जब भी मिले, बीजेपी ने हमको बनाने का काम किया। ये वहाँ भीख मांगने गए हैं, 5 सीट दे दो मुझे, 5 सीट में दो। अभी तक तो इनके चेहरा कहते थे मुख्यमंत्री बनेंगे, 5 सीट में मुख्यमंत्री बन जाएंगे? 5 सीट में एक भी सीट नहीं जीतने वाले। अगर ये अपने असल हैं, अगर ये अपनी बात पर कायम है, तो ये मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़के दिखाएं जैसे इन्होंने वादा किया। इनके सवाल पूछो ना कि तुमने जो वादा किया, झूठ बोलते हैं, समय समय पे झूठ बोलते हैं, सारे नेता झूठ बोलते हैं। अभी तो सारे लोग देखो, बहुजन समाज पार्टी में सारे जो जितने भी भीम आर्मी के लोग थे सब लोग आ चुके हैं। हम लोगों ने सबकी ज्वाइनिंग करा दी है, चाहे वो जिलाध्यक्ष हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, सब करा दिया, सब लोगों को करा दिया है। तो वहाँ कुछ बचा नहीं है, वहाँ नेता बचे हैं, वहाँ भी कुछ नेता बचे। उनमें गलती हुई भीम आर्मी में जाकर? नहीं है, पहले वहाँ जो लोग थे वो सब आ चुके हैं, अभी वहाँ पर सिर्फ चंद नेता बते हैं। अभी सीट डिक्लेयर होने दो, उनमें लड़ाई होने वाली है, वो सब छोड़ छोड़ के भागने वाले हैं, क्योंकि सब टिकट के लिए लगे हुए हैं वहाँ पे। उनको टिकट मिलेगा ना सबको, क्योंकि 5 सीट तो खुद ही मिलने वाली है उनको। किस किस को देंगे भैया? उनको बेचने का काम करेंगे, जो भी करने का काम करेंगे। तो वहाँ कुछ बचने वाला नहीं है, वहाँ सिर्फ नौजवानों को धोखा मिलने वाला है। मैं नौजवानों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप बहकावे मत आना, बहुजन समाज पार्टी हमारा मिशन है, बहन कुमारी मायावती हमारी नेता है, और बहन जी ही इस देश के अंदर सब चीज़ को कायम कर सकती हैं, विचारधारा को बचा सकती हैं। जो इस आदमी का ये नहीं पता कि आज क्या कह रहा है, कल क्या कहेगा, उस आदमी के पीछे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आदमी अपने लोगों को ही काटने का काम करता है, अपने लोगों को ही वो घृणा की नज़र से देखता है, अपने लोगों में ही वो दीवार खड़ी करता है। अब तो सारे नेता कह रहे हैं बीजेपी अखिलेश भी बाबा साहब के मिशन को चलाएंगे। अरे कौन मिशन चलाएगा तुमको पता है? जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन से, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से इतनी घृणा करते हो, बाबा साहब के मिशन को चलाने काम करेंगे क्या? बहन कुमारी मूर्ति अच्छा मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला, ये नहीं चलेगा। नौजवान जानता है जो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है वो कहीं जाने वाला नहीं है, वो ऐसे लोगों को लसाजात में जाने वाला नहीं है। इन लोगों ने चुनाव लड़ा था बुलंदशहर में, इन्होंने चुनाव लड़ा था पूरे देश की, इन्होंने भीम आर्मी वहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी लगा दी थी, 13,000 वोट मिल पाए मात्र, और वहाँ पर बहन कुमारी मायावती ने आए, कोई बड़ा लीडर नहीं आया, 65,000 से ज़्यादा वोट आई थी। ये बहुजन समाज पार्टी की ताकत है, बहुजन समाज पार्टी ही इस देश के अंदर वो मुकाम हासिल कर सकती है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सपना देखा था, जो माननीय काशीराम साहब ने सपना देखा था। ऐसे लोग तो आएंगे कुर्सी के लिए भाग रहे हैं, सिर्फ कुर्सी के लिए, हर जगह कुर्सी के लिए जा रहे हैं, कुर्सी के लिए जा रहे हैं सब लोग। बहन कुमारी मायावती का जो प्रदेश चलाने का अनुभव है वो किसी के पास नहीं है। बहन कुमारी मायावती का जो अनुभव है वो इतना अच्छा अनुभव है, वही प्रदेश को चला सकती हैं। उत्तर प्रदेश को चलाना आसान नहीं है। चंद्रशेखर नहीं चला सकता उत्तर प्रदेश? चंद्रशेखर को कहाँ चलाएंगे? चंद्रशेखर तो अपने आप को ना चला पा रहे, वो चंद्रशेखर कहाँ चलाएंगे अपने आप को नहीं चला पा रहे हो। हाँ आज उनके साथ कोई आता कल भाग जाता उनके साथ में, वो अपने लोगों से ही बात करना नहीं चाहते। चंद्रशेखर में जितना घमंड है उतना किसी में नहीं होता। चंद्रशेखर खुद स्वार्थी हैं, चंद्रशेखर खुद स्वार्थी हैं, जिनके साथ में उनको मतलब होता है वहाँ पे बात करते हैं, उसके बाद में उसको अलग हटा देते हैं, वो खुद दूसरों के सरों पे पैर रख रख के ऊपर जा रहे हैं, पर उनका मकसद पूरे होने वाला नहीं है। हाँ नहीं ऊपर जाने मतलब कोशिश कर रहे हैं जाने की, क्योंकि बिहार में कोशिश करी 0 अंडा आया, उत्तर प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं, बहुत दिन से हाथ जोड़ रहे थे, उनके चेले वेले जो सब पड़े थे वहाँ पे अखिलेश के वहाँ, अरे भाई हमें भी दे दो कुछ सीट, तो शायद अब वो दे देंगे 2-3 सीट जो भी देंगे। एक भी सीट जीतने वाली नहीं है, एक भी सीट नहीं जीतने वाली, मैं तुम्हें भविष्यवाणी कर रहा हूँ। या अखिलेश खुद वो खुद लड़े ना, ये चंद्रशेखर बीएसपी वाले भविष्यवाणी करने लगे हैं। भाई भविष्यवाणी इसलिए है क्योंकि देख पूत के पाल तो पूत को जो है पाम तो पाले में दिखाई दे जाते हैं ना, उनका काम करने का तरीका। वो कहते हैं ब्राह्मणों को हम वोट नहीं देंगे, हम ठाकुरों को वोट नहीं देंगे, हम उनको वोट नहीं देंगे, हम उनको वोट नहीं देंगे। भैया तुम जब उनको वोट नहीं दोगे तुम्हें कौन वोट देगा? तो इसलिए तुम राजनीति में कामयाब नहीं हो। तो राजनीति में सिर्फ वो कमजोर करने आ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को। तो बहुजन समाज पार्टी इतनी कमजोर पार्टी नहीं है जो इनके कहने पर कमजोर हो जाएगी। सर यादव कह रहे हैं सरकार बन गई हमारे। अब यादव ने तो वो निकाल दिया यार, रथ निकाल दिया, वो शायद रथ निकाला, विजय रथ निकाल दिया, वो 10 तारीख को पता लगेगा कौन सा रथ निकलने वाला है। रथ तो वो निकाल देते हैं, 10 तारीख को पता लग जाएगा सब लोगों को। सारी पार्टियों के नेता जा रहे हैं सपा में, वहाँ इतना जो मठ बन गया है एक समाजवादी पार्टी का, ज्यादा जोगी इकट्ठे हो गए हैं सर वहाँ पर, कहते हैं कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़। देखो ऐसा है, बिल्कुल सही कहा आपने, अब वहाँ इतने सारे लोग आ रहे हैं उनको कैसे वो संभालेंगे, क्योंकि जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे जिन सीटों पे, आज वो लोग जो 5 साल मिलाई खाई बीजेपी में, आज वहाँ आप अपने आप को बता रहे हैं कि भैया हम बहुत बढ़िया हैं, हम यादवों की बात करते हैं, हम भैया ओबीसी की बात करते हैं, हम दलितों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, आज यहाँ आकर टिकट ले लिया उन्होंने, तो क्या उन लोगों को बुरा नहीं लगेगा? यहाँ पर कुर्सियाँ कम पड़ जाएंगी, आपस में लड़ाई होगी, भगदड़ मचेगी। अभी उन्होंने कहा ना यहाँ होगी भगदड़ मचेगी, तो भगदड़ ही मचने वाली है अभी देखना आप। तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, वो संभाल नहीं पाएंगे। ज़्यादा खाने के चक्कर में कभी कभी दस्त भी लग जाते हैं, तो इनको दस्त ना लग जाए कभी, कभी संभाल ना पाए, तो आप देख लेना इनको, इनको होने वाला, इनका हाल बुला होने वाला है।